Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों, electric resistance and Ohm's law के concept video पाने के लिए join button पर click करें या फिर इस number पर call करें. Find the resistance of a hollow cylindrical pipe of length 1 meter. Whose inner and outer radii are 10 cm and 20 cm, को meter में convert कर लिया. The resistivity of the material is 2 into 10 to the power minus 8. ये rho होता है resistivity, ohm meter. अब hollow cylindrical pipe ऐसा होता है, है ना? ये I hope आपको आर पार दिख रहा होगा, मतलब व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा यहां से. अगर नहीं दिख रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये हॉलो है ना, इसलिए मैं लेकर आया हूं इसे. बजता भी मस्त है ना. तो इसमें क्या होगा कि यार सेंटर से लेके बाहर तक लेंगे तो आउटर रेडियस होगा, सेंटर से लेके अंदर तक लेंगे तो इनर रेडियस होगा. इसीलिए छोटा आर आपको 10 दिया गया है, बड़ा आर आपको 20 दिया गया है. इसी का ये जो सर्कुलर क्या रिंग टाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं इसके सामने बना देता हूं, यहां बना देता हूं. ठीक है, तो जितना मतलब थोड़ा सा ड्राइंग रूल्स का पालन करते हुए ये सब आपको इंजीनियरिंग में सिखाया भी जाएगा. टेक्निकल ड्राइंग करके एक चैप्टर होगा, हमारे यहां तो टेक्निकल आर्ट्स ही बोल देते थे. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, एक छोटा आर है सेंटर से और एक बड़ा आर है. ये छोटा आर और बड़ा आर आपको दिया हुआ, पता होगा यार आप लोग 12th में. ठीक है, ज्यादा ही समझा रहा हूं मैं. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, है ना. और ये आपको देखो ऐसे दिए भी हुए, मैं यहां कर देता हूं पाई. अब बड़ा आर कितना है, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर. अब आगे से आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 10 टू द पावर माइनस 2 जब दोनों में ही आना है तो उसको सीधे ही बाहर करके लिखा जा सकता है ना. पाई इंटू 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. आ रही है बात समझ में, ये हो गया कैसा मीटर स्क्वायर में. अब 400 में से 100 गया 300, तो 300 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर. और 10 टू द पावर माइनस 2 जो है वो दो जीरो खा जाएंगे, तो अब ये हो जाएगा 3 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 क्या मीटर स्क्वायर. अब हमें रेजिस्टेंस निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. चलो यहां भी लिख देते हैं, ये एरिया ऑफ रिंग क्रॉस सेक्शन होगा, सर्कुलर नहीं बोलूंगा मैं, रिंग टाइप क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ रिंग टाइप क्रॉस सेक्शन ठीक है. अब हम लोग अपना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल से आता है, रो एल बाई ए है ना, तो आर ए बाई एल. हाँ ठीक, अरे रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रो एल बाई ए. ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग, रो एल बाई ए सही है. तो अब हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, यार रो का मतलब है रो, L का मतलब है ले, A का मतलब है अब, तो रो ले अब या रूला अब
जो भी कहना चाहते हैं आर इज इक्वल टू रो क्या है भाई 2 × 10⁻¹. यही फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं। और एल क्या है 1, बहुत बढ़िया। और ए क्या है 3 π × 10⁻²। अच्छा भाई, अब आर इज इक्वल टू 2/3 को तो मैं 0.67 लिखना पसंद करूंगा, या 2/3 अभी बना रहने दो। और यहां पे मैं 10π लाना चाहूंगा अपनी तरफ से। 10π इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हम लोग ने रटा है क्या 10 π होता है 3.18, ठीक है ना। तो ये 3.18 3 से कट भी जाएगा, तो 10 π को हम लोग ने अलग प्रोमिनेंटली बना लिया, तो 2/3 उतार लिया। और 10 π अपनी तरफ से लाए तो 10 की जगह 10⁻¹ भी लाए। अभी ये दोनों बचे हुए हैं, समझिए 10⁻¹ और 10⁻¹ हो जाएगा। अब ये दोनों अपना जुड़ जाएंगे जो भी है। आर इज इक्वल टू 2/3 × 3.18। मजेदार बात ये है कि ये कट जाएगा 1.06, नहीं। अब बस × 10⁻¹, तो आर इज इक्वल टू 2.12 × 10⁻¹। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल वही आ रहा है, 2.1 ये लोग बोल रहे हैं, 1.2 नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा अच्छी तरह कर दिए शायद। 2.1 × 10⁻¹, चलो मस्त, बहुत बढ़िया कर लिया ये सवाल हम लोगों ने।